सुनना और सुनने के बाद समझना। अपने पूर्वजों की बात बताता हूं। आज 22 नवंबर है, मेरे भाई का तो जन्मदिन इससे लगे, बहुत बड़ा दिन था आज का। 22 नवंबर 1675 में सिख पंथ के 9वें गुरु गुरु तेग सिंह बहादुर, आज उन्होंने हमारे लिए अपना शीश दान दिया था। आज ही के दिन आप सभी साथियों को बताता हूं, सत श्री अकाल। एक बारी तालियां ना बजाकर मेरी बात को सुनना और समझना, क्योंकि आज का जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब कर रखा है सरकारों ने, नेताओं ने, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, आपस में भाई को भाई से लड़वाते हैं। हमारे पूर्वज कैसे जीते थे, वो हमारे लिए क्या करते थे, वो जानना बहुत जरूरी। आप सभी साथियों को बताऊं, गुरु तेग बहादुर साहब औरंगजेब के पास दिल्ली में कैद थे और औरंगजेब बोला मुसलमान धर्म अपनाता है या ऐसे नहीं मानेगा। गुरु साहब ने मना कर दिया कि मैं अपना धर्म ही सर्वोपरि समझता हूं और अपने धर्म के अंदर ही अपनी शहादत देना पसंद करूंगा, दूसरा धर्म नहीं अपनाऊंगा। औरंगजेब ने सोचा इसके सामने कुछ क्रूरता दिखानी पड़ेगी, तभी ये इसको पता लगेगा हम कैसे इंसान है। दिल्ली लाल किले के बाहर गुरु साहब के तीन भाई सतीदास, मतीदास और दयाला, तीनों के एक एक अंग को काटा और काटते काटते गुरु साहब की तरफ नजर करते हुए ये कहते हैं, बोल मुस्लिम धर्म अपनाता या नहीं अपनाता। गुरु साहब के तीनों भाई और गुरु साहब, जब उनका एक एक अंग काटा जा रहा था, मर्दान की आवाज में चिल्ला रहे थे, बोले सो निहाल। और ये बात 11 नवंबर 1675 की है, जब उनके शव को काट कर दिल्ली के चारों तरफ लटका दिया गया। वो लड़ाई गुरु साहब किसके लिए लड़ रहे थे, कश्मीरी जो पंडित थे उन कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाना चाहता था औरंगजेब, जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था, जो सिख थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। अब ये बातें सुनकर मेरे कई साथी क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मुसलमान इसका मतलब इतने गंदे हैं। सबसे पहले आपको उस बात को समझना चाहिए, वो मुसलमान मुगल थे, वो हमारे मुसलमान नहीं थे, वो बाहर के मुसलमान थे। जिस वक्त वो हमारे पर जुर्म करते थे, हमारा मुसलमान हमारे साथ मिलकर हिंदुस्तान के लिए साथ देता था। इसलिए आप इस फर्क को समझने की कोशिश करो। आज के वक्त जो हिंदू मुसलमान को लड़वाता है, हिंदू मुसलमान के ऊपर जो राजनीति करता है, वो हमारे मुसलमान नहीं थे, वो मुगल बाहर के मुसलमान थे। हमारे मुसलमानों ने तो हिंदुस्तान के अंदर मुगलों को अपनी लड़की तक भी नहीं दी थी, शादी तक भी नहीं की थी। आप सभी साथियों को बता देता हूं, हरप्रीत भाई आपका हमारा क्या प्यार है, आप भी उस जगह को देख के आए हो, हम भी उस जगह को देख के आए। जब 22 नवंबर को गुरु साहब ने अपना शीश दान किया, उनके दो शिष्य थे, एक जेता एक लखी साहा व्यापारी दिल्ली का। जब उनको मौका लगा तो लखी साहा ने गुरु साहब के धड़ को उठा लिया और जेता ने शव को उठा लिया, शव को लेके भाग लिए आनंदपुर साहिब की तरफ। पीछे मुगलों की फौज लग ली, जो सिंघू बॉर्डर है जहां किसान आंदोलन हुआ, जहां दोबारा से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के वही पुराना प्यार प्रेम करने वाले भाई जहां इकट्ठे हुए, उस जमीन पर एक गांव पड़ता है छोटा सा बड खालसा। उस गांव में गुरु जी के शिष्य उस शव को लेके एक चौपाल में रख देते और कहते हैं, गुरु साहब का ये शव है जिसके पीछे मुगल सेना लगी हुई है, इसको कैसे भी आनंदपुर साहिब तक पहुंचाना है।
जो मुगल सैनिक थे उनके पास हथियार थे, गांव उनका सामना तो कर नहीं सकता था। गांव का ये कुशाल सिंह दैया हमारे दादाजी जो जाट समाज से आता था, जब कुशाल सिंह दैया ने उस शव को देखा गुरु जी के को, उन्होंने कहा भाई क्या दिक्कत है, फिर मुगलों को दे दो। सब गुस्से में देख रहे कुशाल की तरफ, कैसी बातें कर रहा है ये मूर्ख, जिसके लिए हमने जान दे दी यहां तक लाने के लिए और गुरु जी के शव को वापिस देने की बात कर रहा है। कुशाल सिंह दैया ने कहा मूर्खो, मेरी और गुरु जी की शक्ल देखो एक जैसी है, मेरा शीश काट कर मुगलों को दे दो, सोचेंगे गुरु जी का शीश लेकर वापिस लौट जाएंगे और मेरे पीछे से गुरु जी के शव को आनंदपुर साहिब तक पहुंचाना। ये बातें सुनकर सब कुशाल सिंह की तरफ देख रहे, एक आदमी अपनी गर्दन कैसे कटवा सकता है। सबने मना कर दिया हम आपकी गर्दन नहीं काट सकते। कुशाल सिंह ने फिर अपने बच्चों से अपने खून से कहा मेरी गर्दन मेरे बेटे काटेंगे, क्योंकि गुरु साहब हिंद की वो सफेद चद्दर है, अगर गुरु साहब का मान सम्मान नहीं रखा आगे आने वाले समय में जो करूर हत्यारे औरंगजेब के मुस्लिम है वो हम सब पर हावी हो जाएंगे। ऐसे कुशाल सिंह दैया लेट के उनके खुद के बेटे ने तलवार से उसके शीश को काटा और शीश को काट कर गांव वाले जानबूझकर मुगलों की तरफ भाग लिए। मुगल अचानक से टूट पड़े और उस शव को लेकर कुशाल सिंह दैया की वापिस दिल्ली के दरबारों में पहुंच गए और चुपके से पीछे से आनंदपुर साहिब गुरु जी के शव को लेके उसके शीशे गए। वहां जाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया 24 नवंबर को, जिस दिन उनका शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी साथियों को एक बात बता देता हूं, ये हमारे पूर्वज थे जो एक दूसरे के लिए जान देते थे, ये हमारे हिंदू मुसलमान सिख का भाईचारा था जो एक दूसरे के लिए उसकी छाती से पहले अपनी छाती अड़ाकर कटने मरने तक का प्यार प्रेम निभाते थे। एक आज का दिन है, आज आप लोग एक ऐसे गुलाम हो गए हो, आपके बीच में कांग्रेस का बीजेपी का किसी अन्य पार्टी का एक नेता आएगा, सिर्फ एक नेता, और आपके बीच में जहरीली चार ऐसी बातें बोलेगा कि आप अपने ही भाई को दुश्मन की नजरों से देखने लग जाओगे। आप सभी साथियों से इतनी विनती करता हूं, समाज से बड़ा कुछ भी नहीं है। समाज